बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स डू इट स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने क्लिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट टू के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। यानी जो इस क्वेश्चन में दिए गए फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का हम किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके लिए चार स्टेप्स होते हैं जो मैंने इससे पहले बनाई गई वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ अंडरस्टैंड करने हैं तो इससे पहले वो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन उसको देख ले, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ठीक है, वो आप देखें ताकि एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x² + 1। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x बाय डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट कर लेंगे कि ये फंक्शन किसके इक्वल है, f(x) के इक्वल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिविंग इंक्रीमेंट एज डेल्टा एक्स इन एक्स वी गेट। ठीक है, इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां एक्स की वैल्यू में हम वेरी स्मॉल चेंज जो है वो अप्लाई कर देंगे, विच इज डेल्टा एक्स। यानी एक्स को हमने रिप्लेस कर देना है किससे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो यहां पर x जो है उसमें क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा प्लस 1। ओके, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, अगर आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अच्छा अब आप इस राइट हैंड साइड को देख सकते हैं इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दो टर्म्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए यूज की है, यहाँ पर बोथ टर्म्स के साइन क्या होने हैं, चेंज होने हैं, इसलिए मोर देन वन टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज कर लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में ये बात आपने याद रखनी है कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करनी है कि जो डेल्टा एक्स है वो पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, क्योंकि इससे अगले स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना, जब डिवाइड करना डेल्टा एक्स से तो जो डिवाइड होने वाला डेल्टा एक्स होगा वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से लिए गए डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे पार्ट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में ऐसा ही करना है आपने। ये जो स्टेप नंबर 2 होगा जिसमें हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के दौरान आपने कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करनी है कि डेल्टा एक्स जो है वो फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टर्म है इसमें स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, एज यू नो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्वायर को ओपन कर लिया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे प्लस 1 और यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो गया, लेकिन दोनों टर्म्स पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होती है, बेसिकली दिस इज माइनस 1 और माइनस 1 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट में दो टर्म्स मौजूद है, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगी तो ये माइनस 1 जो है वो अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, ये वजह होती है कि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होती है टर्म्स के साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इससे अगले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है सारी टर्म्स के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x²
प्लस टू इंटू टू फोर एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू इंटू डेल्टा एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, टू डेल्टा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन कैंसिल हो रहा है, चलो ऊपर वाले स्टेप में नहीं किया है, यहाँ पे कर लेते हैं हम, ये प्लस वन माइनस वन से क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि वन माइनस वन क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। और ये टू एक्स स्क्वेयर प्लस के साथ है, ये माइनस के टू एक्स स्क्वेयर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट में क्या बचेगा, फोर एक्स डेल्टा एक्स प्लस टू इंटू डेल्टा एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टर्म में डेल्टा एक्स मौजूद है, इस टर्म में भी डेल्टा एक्स मौजूद है, बेसिकली दो डेल्टा एक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वेयर। तो एक डेल्टा एक्स हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब डेल्टा एक्स मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा फोर एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गए, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री क्या है, तो स्टूडेंट्स इस अबव इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने क्या किया डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर थ्री में हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू इंटू डेल्टा एक्स हमें मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर फोर की तरफ विच इज द लास्ट वन। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर फोर में हम अबव इक्वेशन में दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे एज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। तो यहां से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो फोर एक्स प्लस टू इंटू डेल्टा एक्स, ओके। तो यहां से जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां से डेल्टा एक्स में हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, फोर एक्स बचेगा। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव of the given function f of x with respect to x. So, ये हमने given function का derivative find कर लिया by definition. Okay? तो यह हमारा question one का first part क्या हो गया? Complete. तो students, एक बार फिर देख लेते हैं. सबसे पहले हमें question में क्या करना होगा? जो दिया गया function होगा, उसे हम f of x के equal let कर लेंगे, ठीक है? और उस function को हमें नाम दे देना होगा equation number one का. ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर वन हमारा शुरू होगा जिसमें हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या देंगे, इंक्रीमेंट्स देंगे, ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर टू में हम इक्वेशन वन को इक्वेशन नंबर टू में से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करेंगे कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें से डेल्टा एक्स क्या आ चुका हो, हमारे पास कॉमन आ चुका हो, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं जिससे राइट हैंड साइड पे डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और फोर्थ और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं एज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। जो फंक्शन हमने सिंप्लीफाई किया था उसमें जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें जो है फंक्शन का फाइनल डेरिवेटिव मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर टू भी देख लेते हैं विच इज टू माइनस स्क्वेयर रूट एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर वन, गिविंग इंक्रीमेंट एज डेल्टा एक्स इन एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, एनी एक्स में हम डेल्टा एक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यू हमें एक्स में डेल्टा एक्स का क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जो मिलेगी वो इक्वेशन नंबर टू होगी। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर टू में हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर वन में राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स है, इसलिए मुझे ब्रैकेट का जो है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब नेगेटिव साइन मौजूद है बाहर जब ब्रैकेट ओपन होगी तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये टू प्लस के साथ है माइनस हो जाएगा और ये माइनस के साथ है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास जो रिजल्ट है वो बच गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं
देख सकता हूं कि कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे मुझे डेल्टा एक्स कॉमन मिल जाए, क्योंकि स्टेप नंबर टू में हमें डेल्टा एक्स क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हमने ये जो न्यूमरेटर है जिसमें स्क्वायर रूट्स मौजूद है, इनको खत्म करने के लिए हमें, यानी इसको रेशनलाइज करने के लिए, रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए, एक ऐसी एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए जिसमें स्क्वायर रूट्स मौजूद ना हो, हमें क्या करना होगा, ये दो टर्म्स हैं स्क्वायर रूट्स वाली, इनके दरमियान नेगेटिव साइन है, इन दोनों टर्म्स के साथ हैविंग अपोजिट साइंस, ठीक है, इन बिटवीन देम हमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मुला लगेगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस के साथ माइनस हो जाएगा एक्स, और ये डेल्टा एक्स जो है प्लस के साथ है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बच गया। स्क्वायर रूट एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचेगा, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर टू क्या हो गया, कंप्लीट। अब स्टेप नंबर थ्री में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन की दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दी, आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये टर्म जो है वो उसका रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिल गया, ठीक है। स्टेप नंबर फोर विच इज लास्ट वन, हम क्या करते हैं, लास्ट में लिमिट अप्लाई करते हैं अबव इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, ठीक है। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी एज डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से जब लिमिट मैं पुट करूंगा इसमें, डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स बचेगा, और स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स कितना हो जाएगा, टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स या टू स्क्वायर रूट एक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि हमें ये पता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम एक्स के, यानी दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज एफ प्राइम एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये हमें गिवन फंक्शन का क्या मिल गया, डेरिवेटिव मिल गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी, और अगर आपको लेक्चर की अच्छी समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल क्लिक फॉर कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।